हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज मैं आप लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, लेकिन आज की रीडिंग थोड़ी डिफरेंट करने वाली हूँ, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए कैसे जाने वाले हैं, क्या कुछ रहेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, आपकी सिचुएशन में क्या कुछ चेंजेस आएंगे, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, तो जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट करे उसे क्लेम करें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं फिलहाल आपकी करंट सिचुएशन क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। सिक्स ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ कप्स, ओके, सो ये हैं व्यूअर्स आपके कार्ड। आई थिंक आपको नजर आ रहे होंगे सारे के सारे। सो व्यूअर्स देखिए, प्रेजेंट में ऐसा नजर आता है कि ऐसा नहीं है कि आपकी जो इच्छाएं हैं या जो आप चाहते हो वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं। पूरी तो होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन मे बी उस तरह से पूरी नहीं हो पा रही है, या फिर ये कहें कि उनका जो स्वरूप है चीज़ों के होने का या सिचुएशन के होने का, आपकी इच्छाओं के पूरे होने का, मे बी उनके पूरे होने का जो एक फॉर्मेट है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। इससे कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसा भी होना चाहिए था, या फिर आप कंपेयर कर रहे हो समथिंग लाइक कि प्रेजेंट को पास्ट के साथ में। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज मिलता है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको किसी ना किसी सिचुएशन को जैसे कि बहुत ही अलग तरीके से हैंडल करता हुआ देखती हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी जो लाइफ में ना एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं, और आप एक तरह से स्टेबल लाइफ की तरफ मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आते हो, राइट? लेकिन ये स्टेबिलिटी का जो स्वरूप है वो वैसा नहीं है जैसा कि आपने सोचा था। बना आप खुद रहे हो अपनी लाइफ को, ऐसा नहीं है कि आपकी जो कमान है वो किसी और के हाथ में है, वो ऐसा तो नहीं नज़र आता। आप अपनी ज़िंदगी को खुद ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, खुद ड्राइव भी कर सकते हो। जैसे कहते हैं ना स्टेयरिंग व्हील आपके हाथ में आ गया है तो आप उसको ड्राइव कर रहे हो। और मुझे ऐसा भी नज़र आता व्यूअर्स कि आपकी कुछ एक डिज़ायर हैं, कुछ एक ऐसी डिज़ायर हैं मे बी समटाइम जिनको आप मैनेज करते करते खुद ही फंस जाते हो। कुछ तो ऐसा है जो कि मे बी दूसरों के प्रोस्पेक्टिव से सही नहीं है, लेकिन आपके प्रोस्पेक्टिव से बिल्कुल जायज नज़र आता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक पॉजिटिव वे में आपके सामने आती जा रही हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जो मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में फ़िलहाल तो देखूँ तो मैं उसकी तरफ आप बढ़ रहे हो, चेंज हो रही हैं, और आपको वो चीज़ें मिल रही हैं मे बी जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, राइट? बस एक चीज़ मैं यहाँ पे वो देख पा रही हूँ व्यूअर्स, वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपको, मतलब आपकी लाइफ में चीज़ें हो भी रही हैं पर फिर भी आपकी लाइफ में ना आप एक स्ट्रेस लेके चल रहे हो, समवेयर सम काइंड ऑफ स्ट्रेस। मे बी आपके रिलेशनशिप में ये हो सकता है कि मे बी आपका पर्सन भी आपके साथ हो, कुछ लोगों के लिए ये भी कहूँगी, या फिर आपकी फैमिली भी आपके साथ हो, लेकिन आपको पता नहीं किस बात का स्ट्रेस सा हो जाता है, यानी छोटी छोटी बात आपके ऊपर इतनी हावी हो जाती हैं कि आप उनको बहुत ज़्यादा बड़ा ले जाते हो। और बहुत मैं ऐसा भी देख रही हूँ व्यूअर्स कि अभी हाल फिलहाल में हो सकता है आपको कोई बड़ी अचीवमेंट्स मिली हो, उसकी भी कहते हैं ना एनर्जी आपके ऊपर अभी भी हावी है। अभी पीछे हो सकता है कुछ दिनों में, कुछ टाइम पहले आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ हो, मिराकल समथिंग लाइक, कि जिसमें आपको ऐसा ब्रेक थ्रू मिला है जो आपको बहुत समय से नहीं मिल पा रहा था। पर स्टिल कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, थोड़ा सा है उनमें से कहते हैं ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, या एक दूसरे को लेके समझ नहीं पा रहे कि हम दोनों में जो तालमेल है वो क्यों नहीं बैठ पा रहा है, जबकि आप लोग एक दूसरे के लिए मतलब लवर भी हो सकते हैं दूसरे के, ठीक है, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे लवर हो, या लव मैरिज में ही हो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि आप उस पर्सन को जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उसको बहुत नए तरीके से देख रहे हो उस पर्सन को भी। अगर आप कोई
अचीवमेंट्स भी आपको मिली है ना, तो आपको आप उसको वो पता नहीं क्यों सेटिस्फाई सा फील नहीं कर रहे हो, जबकि सब कुछ आप अगर देखा जाए लाइफ में ठीक ठाक ही चल रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में ये देखो, ये हो सकता है कुछ रीडिंग कुछ लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट ना करे, लेकिन मैं ये देख रही हूँ ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं है, खुशियाँ हैं, पर फिर भी आप उन खुशियों को अच्छे से जी नहीं पा रहे हो समवेयर लाइक, है ना। तो ये कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। समवेयर ना आपको ऐसा ही लगता होगा कि आपको हर चीज़ खुद ही मैनेज करनी पड़ रही है, रिश्ता भी है तो आपको खुद ही मैनेज करना पड़ रहा है, ये पर्सन या ये लोग या ये सब सारी सिचुएशन, मतलब आप ही को संभालना पड़ रहा है, आपको ऐसा लगता होगा, है ना। आपको लगता होगा समटाइम कि सब कुछ है पर फिर भी कमी सी है, जैसे फंस गए हो, ट्रैप से हो गए हो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ही कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ या मैं ही कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ, ज़्यादातर सामने वाला पर्सन तो कोई एफर्ट्स ही नहीं दिखाता है। और जो भी आपको अचीव हुआ है, मे बी समटाइम ये भी पॉसिबल है कि आप उसको लेके यही सोचते हो कि अगर मैं ये सब चीज़ ना करती या ना करता तो ये चीज़ें हो ही नहीं सकती थी, है ना। क्योंकि इनका तो ज़ीरो एक्शन आपको नज़र आता है, आपके आपके आसपास के लोगों का या फिर आपके पर्सन का, कुछ मैं ऐसा ही देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। इनर वॉइस, आइसोलेशन, सौरव, क्या बात है, रिवल। अब देखो यहाँ पे क्या है आपके लिए, अब मैं बात बोलूँगी ना आपको तो आपको बहुत ही शॉक लगने वाला है। ये जो यहाँ पे एनर्जी निकल के आती है नेक्स्ट 48 आवर्स की, ये एनर्जी ये बताती है कि ये सारी बातें सिर्फ आपके दिमाग का फितूर है, ठीक है। अब आपको लगेगा ऐसा कैसे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जो मैंने अभी आपको बोला कि आपको समवेयर ये लगता है कि मतलब खुश नहीं हो आप अंदर से, तो वही आपके 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 अंदर की बस फीलिंग है कहीं ना कहीं। आपकी लाइफ में देखो हर चीज़ कहीं ना कहीं अपने परफेक्ट वे में चल रही है, हाँ हर चीज़ के चलने का तरीका अलग है, हर चीज़ के होने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक तरह की ये जो आपने अपने आसपास का दायरा सा बना लिया, इसको यहाँ पे ब्रेक करने की ज़रूरत है। अवेयरनेस की एनर्जी गाइज यहाँ पे देखो ये दिखाती है कि सक्सेस अकेले के बल पे कभी भी हासिल नहीं होती है, ठीक है। आपको मे बी ये चीज़ें एहसास होने वाली हैं, क्योंकि मैं यही देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस आपके लिए हैं निकल के आते हैं। सीज़न, देखो यहाँ पे ये जो कार्ड है नंबर 1 की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मे बी इन नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर अपनी लाइफ में अगर आप देखो तो आप कुछ नया इनिशिएट करने वाले हो अपने लेवल पे, मुझे ऐसा भी नज़र आता है। स्पीक अप, अच्छा अगर आपको ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं कि आपकी लाइफ में आपको किसी को कुछ कहना है तो उसको कहने का तरीका बस थोड़ा सा चेंज कर लो और आपकी बात यहाँ पे बन जाएगी। हर कोई आपके सपोर्ट में मुझे यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। मे बी छोटी मोटी पार्टी वगैरह ही कर लो, वो भी ज़्यादा अच्छा होता है। मे बी कहीं घूमने चले जाओ अपने लोगों के साथ में, अपने पर्सन के साथ में, उनको शेयर करो कि आप उनके लिए क्या फ़ील करते हो, वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। ये ज़रूरी है क्योंकि देखो अगर देखा जाए वीकेंड भी पड़ रहा है, तो वीकेंड में ऑब्वियसली बाहर जाया जा सकता है और इन्जॉय किया जा सकता है जो कहीं ना कहीं आप चाहते हो। ओके तो चलिए मैं आपके लिए एंजल्स गाइडेंस कार्ड भी देखती हूँ यहाँ पे क्या निकल के आता है। ओके चलिए देखते हैं यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए बताएं आप इन्हें इनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज है इनके लिए। सेल्फ वर्थ, तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स में देखो आपके लिए ये जो मैसेज है ये यही दिखाता है कि इसी में देखो नेक्स्ट जो 48 आवर्स रहेंगे व्यूवर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस वाली एनर्जी है, ठीक है। बस इतना है कि अपनी ये मत समझो कि आप किसी लायक नहीं हो या फिर आपको ये मिल नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट समझो कि यस आप एक डिवाइन के मास्टरपीस हो और मास्टरपीस को डिवाइन बहुत कुछ देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे एंजल मैसेज आपके लिए क्या है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। लव एंड पीस, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको लव भी मिलेगा और पीस भी मिलेगा। आपकी सेल्फ वर्थ इसीलिए बढ़ रही है, ठीक है।
और सुप्रीम प्रोटेक्शन, ग्रीन तारा माँ की प्रोटेक्शन आपके साथ में है। मे बी समवेयर लाइक मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में हील करने वाले हो, हील करने वाले हो, मे बी अपने माइंड सेट को समझने वाले हो, लोगों की टेंडेंसी क्या रहती है आपके लिए। आपका हार्ट हीलिंग मुझे यहाँ पर होती हुई नज़र आती है, हार्ट एंड माइंड एंड सोल सब, मतलब पीस वाली एनर्जी है अगर देखा जाए। यहाँ से ग्रीन तारा माँ है, यहाँ से मदर मैरी की एनर्जी है, लेकिन ये दोनों एनर्जी ना एक तरह से देखा जाए तो हीलिंग को ही रिप्रेजेंट करती है, लेकिन समवेयर मतलब बियॉन्ड द वर्ड्स ये वो हीलिंग देती हैं आपको, है ना। क्योंकि मदर मैरी को भी आप जानते हो, ये तो इन्होंने क्या कुछ नहीं किया है, और ये भी ग्रीन तारा माँ, इनको भी अगर आप इनके बारे में जानते गूगल कर लेना, तो ये भी सिर्फ लव एंड सपोर्ट एंड केयर के लिए जानी जाती हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो ये खालीपन है, अधूरापन है, वो आपको कहीं ना कहीं मिल सके। तो ये मैं आपकी लाइफ में हीलिंग टाइम देख रही हूँ नेक्स्ट 24 आवर्स में, 48 आवर्स में एक्चुअली में। तो ये आपको सिर्फ यही देना चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में ये जो खाली खालीपन सा महसूस कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये उसको रिलीज़ करें, और आपकी जो वैल्यू है वो लोगों की नज़रों में उठ के आए, ताकि आपको ये खाली खालीपन सा फील ना हो, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए, आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए व्यूवर्स मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।